तो मेरी YouTube फैमिली, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने आप लोगों को दर्शन करवाए थे श्री खाटू श्याम जी के और पूरी स्कूल के साथ में हम लोग यहाँ पे। सेकंड व्लॉग इसका सेकंड पार्ट होने वाला है और अभी हम लोग कौन सी डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं वो आप लोगों को हम लोग अपडेट देने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या फन करने वाले हैं, जो भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे वो सारी अपडेट आप लोगों को दे देंगे। तो इस साइड में हमारी दोनों बसेस खड़ी है, ग्रीन वाले में तो गर्ल्स बैठेंगी और जो रेड वाले उसमें सारे बॉयज और सभी टीचर लोग हैं वो लोग हम लोग बैठेंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और जो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक आप लोगों को दिखाएंगे और डेस्टिनेशन पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। आई होप इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों को मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया ना तो अगर फिर से लाइक ठोक देना वीडियो को और आगे से आगे शेयर भी कर देना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और थोड़े रास्ते के सिनेमेटिक दिखाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को डायरेक्ट मिलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो चलिए गाइस गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देखो सनशाइन रिजॉर्ट में और ये वाला होने वाला सनशाइन रिजॉर्ट और एक तरफ गर्ल्स की लाइन लगी है देख लो सामने, एक तरफ बॉयज की लाइन लगी है। अभी एक बार काउंट करेंगे सभी स्टूडेंट्सों को, उसके बाद में टिकट्स देंगे हम लोगों को और उसके बाद में एंट्री करेंगे। देखो पहले एंट्री हो रही है गर्ल्स की, ये देख लो सामने, और फिर हम लोग चलेंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर करवा देंगे आप लोगों को। देख लो उधर तो गर्ल्स जा चुकी है अंदर, थोड़ी बहुत बची वो भी चले जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट के अंदर और इधर हमारे सभी टीचर खड़े हैं, ये हमारे ड्राइवर अंकल, इधर टीचर लोग सभी ड्राइवर बताते हैं हमें। फाइनली हम लोगों की काउंटिंग हो चुकी है और रिसोर्ट के अंदर अभी हम लोग आ चुके हैं और अब जाते हैं कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करते हैं, लंच वगैरह जो भी करते हैं वो आप लोग अपडेट। गाइस अभी हम लोगों को समोसा मिला है और साथ में ये माथा में लिए देख लो, इनको फिनिश करते हैं, इधर भी इनकी पार्टी चल रही है क्योंकि अभी थोड़ा म्यूजिक का साउंड ज़्यादा आ रहा है वरना कॉपी राइट आ जाएगा, ये हमारी क्लास की भूरी दिखाना सचिन बोल वो जेंगुर्सा सचिन है बोल वो आवे ना रोटी इतनी खावे ना आराम के इतने सारे समोसे खावे ना लप्पू से सचिन है। गाइस अभी थोड़ी हम लोग कॉस्ट्यूम वगैरह हमारे चेंज करते हैं उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली फाइनली अभी हम लोगों ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए और अब हम लोग जाने वाले हैं पूल में, तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चले आ रहा हूं। गाइस ये है सनशाइन रिसोर्ट, ये इसका पूल है पूरा देख लो आप लोग इधर से, ये पूरा ये बाउंसी लगी है मिक्की माउस वाली, उधर भी एक पूल बनाया हुआ है वो देख लो हमने, उधर गार्डन है झूले वगैरह वो है बच्चों के लिए, उधर रैन डांस है गाइस उधर सामने, और ये पीछे है जो ये वाला ये पूरा मैरिज गार्डन बना हुआ है। और जो इसकी ये स्लाइड है वगैरह ये है पूरी, ये भी पूरी बंद पड़ी है टूटी हुई है पूरी देख लो बीच में से गैप है तो ये बंद कर रखा है अभी, एक पूल इधर बनाया हुआ है, स्लाइड है यहाँ पे, एक पूल ये बनाया हुआ बच्चों के लिए छोटा।
सर जाओ जाओ, सर की बुरी हालत कर दी लड़कों ने। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ जी, तो मेरी YouTube फैमिली, फाइनली आज हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, आप लोगों ने देखा भी होगा और आई होप हमारे थ्रू आप लोगों को भी काफ़ी मजा आया होगा। तो भाई, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अच्छी लगी तेरे को स्विमिंग पूल में? स्लाइड। स्लाइड कौन सी? वो बड़ी वाली। वो कौन सी बड़ी वाली? वो ग्रीन वाली। वो ग्रीन वाली जिसके ऊपर वो अपन ऐसे आगे वाली लेन गाइस। हाँ, क्या वहाँ से ऊपर से आते ना, लगता है जीव जंजाल में आ गए। क्या तो जाने वाले का था मामला, सब कदम गया, टाटा बाय बाय। तो गाइस, और आज का डिनर भी हम लोगों का यहीं पे होने वाला है, और आज के डिनर में क्या क्या होने वाला है वो सारी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा डिनर हॉल में, वहाँ हम लोग चलते हैं और डिनर में क्या क्या होने वाला है सारी अपडेट आप लोगों को दे देंगे। तो गाइस चलते हैं। तो भाई, उससे पहले तू ये बता, आज का तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया जितना भी कोई नहीं करता होगा। हमने और इसने खूब मजे करे, खूब पलटी खाई और खूब तरह से मजा आया, जिसमें ये जैसे कि ये स्विमिंग पूल था ना, ये वाला सर के साथ बहुत मजे करे और बहुत मजा आया। लेकिन यार एक चीज़ सबसे बेकार लगी। कौन सी? इसमें ना स्लाइड वगैरह साइडों में से टूटी हुई थी, सच में सीरियसली। और छोटा था थोड़ा बहुत। हाँ, और पूल छोटा था, 4 फुट का भी ढंग से नहीं था सीरियसली। वो था 4 फुट का लेकिन पानी तक था नहीं उसमें, और साइडों में से कट भी गए थे हमारी उंगली। देखो मैं दिखाता हूँ, दिख रहा होगा। तो गाइस, अब हम लोग चलते हैं डिनर हॉल की तरफ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। एंड तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग डिनर हॉल में आ चुके हैं और आज का डिनर हम लोगों का यहीं पे होने वाला है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आधे बच्चे खा रहे हैं, आधे स्टाफ लोग खाना खा रहे हैं। तो अभी हम लोग भी यहाँ से डिनर लेते हैं हमारा, और आप लोगों को बता दें क्या क्या आज के डिनर में होने वाला है। तो चलिए गाइस। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोगों ने प्लेट ले ली, प्लेट के अंदर सलाद दिखा, सलाद डाल लिए, रोटी थोड़ा सा अचार भी रख लेते हैं टेस्ट करने के लिए कैसा है, गाजर का अचार, साथ में चम्मच एक, इधर है पनीर, मटर पनीर है, देख लो।
धागा कैमरामैन। बताओ क्या ले रहे हो, बताओ। ये दाल है, तड़के वाले दाल है गाइस। इधर राइस का भी हम लोग वेट कर रहे हैं, राइस आते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने हमारी प्लेट ये पूरी सर्व कर ली है, उसमें से मिसिंग है चावल और रायता, वो भी आ जाते हैं फिर आप लोगों को दिखा रहे। जब तक हम लोग हमारे टेबल पे चलते हैं और वहाँ टेस्ट करके बताते हैं। आ जा भाई, कैसा लगा खाना? एक नंबर। सबसे टेस्टी डिश कौन सी इसमें से? पनीर वाली सब्जी। पनीर वाली, सच में? सर आपने तो सर लाइन उधर है। अच्छा ओके सर जी, कैसा लगा आपको खाना? इनसे पता लग रहा है, देख लो एकदम देसी स्टाइल से खाते हैं हमारे आशीष जी सर। देसी देसी आज तंत्र में कौन कौन से? पानी, मिट्टी। अच्छा स्वाद आता ना। हाँ आए हाय सर जी, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो? खाना बढ़िया है। ओके कैसा लगा आप लोगों को खाना? सबसे दाल ले आऊं? ठीक है, और कुछ? सबसे अच्छी डिश कौन सी इनमें से जो भी आइटम? पनीर और नान। और बाबू आपको क्या अच्छा लगा बताओ? सब अच्छा लगा भाई को। आपको सारा आपको क्या अच्छा लगा? दाल, दाल अच्छी लगी आपको? कितनी अच्छी लगी? हाँ जी मैडम, कैसा लगा खाना आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। इनमें से सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी? और सबसे बेकार डिश कौन सी लगी? बेकार तो नहीं, कुछ भी नहीं है, सबको सब अच्छा लगा सच में। मैडम अभी भी कुछ भी बाकी है तो बता देना, क्योंकि फीडबैक देना अपना काम होता है, जो क्लाइंट्स आएंगे वही फीडबैक देंगे। कम कम खाना रे? नहीं यार, कितना खा लिया? भाइयों खा लिए? कितना खाओगे? और अभी तो स्टार्ट हुआ है यार। कोई बात नहीं मैम, कैसा लगा आप सभी को खाना? इनमें से सबसे बेकार चीज़ कौन सी है बताओ? अपोजिट प्याज। और सबसे अच्छी डिश कौन सी है? पनीर। मैम आपको दाल? मैम, मैडम जी, मैडम तो इशारा दे रहे हैं बस। मैडम जी आपको दाल चावल चाहिए। इन्जॉय योर डिनर मैम। कैसा लगा आपको खाना? मैडम जी आई एम टॉकिंग अबाउट विथ यू। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैडम को कभी विनीत, तेरे को क्या अच्छा लगा भाई? पूरा अच्छा है। सुमित भैया आपको थोड़ा तेज बोलो। सारे बढ़िया हैं। मैडम आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, दिस इज नॉट। अगर कितना खाया? खूब। मिंदिया सॉरी, कितने गिलास पिएगी रे? ये हमारी प्लेट हम लोगों ने सर्व कर लिए। ये तो है तड़के वाली दाल, ये है मटर पनीर, इधर सलाद है, इधर अचार है, इधर नान है। इसमें से मिसिंग है चावल और रायता, वो भी हमारे टेबल पे सर्व हो जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो पहले नान में से एक वाइट कट करते हैं हम लोग। ये वाइट नान का बढ़िया गर्मा गर्म पनीर के साथ में, ये पनीर। तो गाइस ये पहला पनीर के और नान के साथ वाइट। ये सलाद प्याज, ये नान। अब एक देसी हमारा कांदा। गाइस खाना अच्छा है, बाकी बात अब खाना फिनिश करने के बाद में करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए।
गाइस अभी हम लोगों ने चावल तो स्कूप कर दिए हैं और ये रायता लेकर आ गए। अरे एक और पनीर की कटोरी लिया है, रायता भी लिया है बट पनीर बाकी नान वगैरह वो हम लोग खा रहे हैं। चावल स्किप कर दिए, रायता ले लिया हम लोगों ने। खाना खाने में टेस्टी है और बाकी इसको फिनिश कर दें। हाँ जी, तो दोस्तों फाइनली आज का डिनर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आज के डिनर में काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। आज का डिनर काफ़ी टेस्टी भी था, लेकिन सबसे बेकार चीज़ हम लोगों को यहाँ की लगी सर्विस। सर्विस में टाइम ऊपर नीचे हो रहा था, काफ़ी स्टूडेंट भी वेट कर रहे थे खाने का। कभी चपाती खत्म हो जाती, कभी चावल खत्म हो जाते, मानते होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसके अलावा खाना नो डाउट एक नंबर और अच्छा बना था। खाने में काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, खाना काफ़ी टेस्टी बना था और जो चावल की सर्विंग थी वो सबसे थर्ड क्लास में, इसलिए बोल रहा हूँ। लास्ट तक मैं वेट करता रहा चावल का, लेकिन चावल आए नहीं। फिर मैं लास्ट में हार थक के नान, दाल की सब्जी, पनीर की सब्जी, सलाद और अचार लिया, उसमें मैंने खाना खाया। फिर रायते का वेट किया, रायते भी चार बार बोलने के बाद में एक बार मिला, वो भी आधे गिलास में चिल्लाया। फिर उसके बाद में आधा गिलास वो डाला, लेकिन वो भी कोरा पानी। तो रायता चावल आई डोंट नो रिकमेंड यू गाइस, लेकिन उसके अलावा बाकी खाना एक नंबर था, अच्छा था, टेस्टी था। उसके अलावा आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था हम लोगों का यहाँ का। और जो पूल था, पूल भी काफ़ी अच्छा था, पूल में भी काफ़ी मज़ा आया, लेकिन पूल की हाइट थोड़ी छोटी थी। और उसके अलावा जो झूले थे, झूले जगह जगह से टूटे हुए थे, उससे भी काफ़ी हमारे हाथ वगैरह छिले, तो वो भी रिपेयरिंग मांग रहे हैं। ये चीज़ें गलत थी, क्योंकि नेट पर क्या दिखाते हैं और होते क्या है रियलिटी में, तो ये चीज़ सबसे बेकार लगी हम लोगों को। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ कोई आना चाहते हो तो आई रिकमेंड यू, बताना, क्योंकि जैसा होता है दिखता वीडियो में कुछ और है, होता कुछ और है, वैसा सीन है। बाकी आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। और अभी तक आप मेरी यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। और गाइस आप लोग साथ के साथ कमेंट भी करके बता दिया करो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो और आगे से आगे शेयर कर दिया करो। तो गाइस मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर किसी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। With